देहरादून में राज्य आंदोलनकारी की टीम प्रवर समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात करने उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर गई थी। जब आंदोलनकारी को मंत्री जी से मुलाकात करने नहीं दिया गया तो राज्य आंदोलनकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास के बाहर हंगामा और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। राज्य आंदोलनकारी का कहना है कि प्रवर समिति के अध्यक्ष को राज्य आंदोलनकारियों का माहौल नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान प्रदीप कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर संघर्ष कर रहा है और जिस प्रकार से प्रवर समिति की बैठकें होती जा रही है लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, उससे राज्य आंदोलनकारी के बीच काफी नाराजगी है। राजनांदोलनकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जब सरकार ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं, जिस तरह के चेंजेस चाहते हैं वो अवश्य होंगे और इस चीज़ को सरकार ने खुद समझा, खुद देखा और ये निर्णय लिया कि हम इसकी जो लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% क्षैतिज आरक्षण को लेके संघर्षरत रहा है और पिछले 10 सालों से पुनर्बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार से जो गैरसैंण से उप समिति से लेके उसके बाद कैबिनेट होती है, विधानसभा सत्र होता है, प्रवर समिति बनाई जाती है, उसकी एक बैठक होती है, दो बैठक होती है और तीसरी बैठक के लिए फिर 2 महीने का, कल जब हमने पढ़ा तो आपातकाल बैठक बुला के सब में आक्रोश व्यक्त था। आक्रोश व्याप्त होने के बाद हमने जो है यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त करा और प्रवर समिति के अध्यक्ष यहाँ नहीं थे और अब जब वो आए हैं, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी हुई क्योंकि हमारी पीड़ा ये थी कि लोगों की उम्र दराज होते जा रहे हैं और ये जब सारी पोस्टें निकल जाएंगी फिर उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें पेंच फंसी हुई है। महामहिम के यहाँ जाना है, महामहिम के यहाँ साइन होना है, एक दिन का विधानसभा सत्र लगना है, तब जाकर